हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा एंड फौना लव। मैं हूं कोमल, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं मैं कि कुछ नए प्लांट्स मैंने पॉट्स में लगाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में मैंने तुलसी का प्लांट लगाया है। ये मैंने एक आंटी को देने के लिए लगाया है। इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एक पॉट में दिन का राजा प्लांट लगा हुआ है, जिसे सेस्ट्रम डायनम भी कहा जाता है। इसी पॉट में नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे तुलसी के प्लांट्स लग गए थे, तो इसी में से एक प्लांट लेके मैंने उस पॉट में शिफ्ट कर दिया। अब बात यह है कि इसमें इतने सारे सीड्स आए कहाँ से? मेरे घर में तो कोई दूसरा तुलसी का प्लांट यहाँ आसपास लगा हुआ ही नहीं है, तो मन में ये भी बात आई कि यहाँ पे इतने सारे सीड्स आए कहाँ से। तो इसका आंसर ये है कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे नेबर्स की छत है, यहाँ पे एक तुलसी का छोटा सा प्लांट दिख रहा होगा आपको ऊपर की साइड में, तो शायद विंड की वजह से इसके सीड्स आकर इस पॉट में गिर गए होंगे, इस वजह से इतने सारे प्लांट्स निकल आए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक मनी प्लांट लगाया है मैंने सिरेमिक पॉट में। ये 6 इंचेस का सिरेमिक पॉट है, उसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है इंडोर रखने के लिए। ये एक और मनी प्लांट लगाया है मैंने इस तरह के सिरेमिक पॉट में, ये भी 6 इंचेस का पॉट है। और एक मनी प्लांट मैंने इस तरह के पॉट में लगाया है, ये पॉट थोड़ा सा राउंड शेप में है। ये पॉट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में मैंने स्नेक प्लांट भी लगाया है, ये भी इंडोर ही रखूंगी मैं। ये जो सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं ना, ये मेरे ही घर से मैंने लिए हैं, ये सेपरेटली मैं मार्केट से खरीद कर नहीं लाई हूँ। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के मटका स्टाइल सिरेमिक पॉट में मैंने बास्केट प्लांट लगाया है। इसे चेन प्लांट भी कहते हैं या ऑक्टोपस प्लांट भी कहते हैं। ये जब मैच्योर हो जाएगा तो इसके यहाँ से सेपरेट रनर्स निकलेंगे, जिसमें बेबी प्लांट्स हम जिससे आसानी से बना सकेंगे। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट रखता है। इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर मेरे पास ऑलरेडी है एक बड़े पॉट में, तो ये मैंने इंडोर के लिए लिया है, लगाया है। ये एक और मटका स्टाइल सिरेमिक पॉट है और इसमें मैंने सिंगोनियम लगाया है। तो आप देख सकते हैं सिंगोनियम की मैंने 3 या 4 कटिंग्स लगाई हैं। लास्ट पॉट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो इस तरह का पॉट है। ये थोड़ा सा बड़ा पॉट है, इसमें भी मैंने सिंगोनियम ही लगाया है। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे मैं इंडोर ही रखने वाली हूँ, केवल एक तुलसी को छोड़ के। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।